माननीय स्पीकर महोदय, इनका जो प्रश्न है वो सबसे पहला है, क्या सरकार योजना में लाभान्वितों की निर्धारित सीमा 2 लाख में वृद्धि करने का विचार रखती है? उसका उत्तर यह है कि वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचार नहीं। मंत्री महोदय, प्रश्न भी अलग है, जवाब भी अलग है। अरे ये उत्तर है, मेरे पास है उत्तर, मेरे पास है, आप कैसे उत्तर है मेरे पास। मुझे आपको संरक्षण चाहिए क्योंकि इस जवाब का वास्तव में अधिकारी इस चीज को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि 5 साल तक बीजेपी ने धरना प्रदर्शन ज्ञापन सब कुछ किया था। आप प्रश्न पूछिए। मैं प्रश्न ये कर रहा हूँ कि युवा बेरोजगार का एक तो भत्ता बढ़ाने की बात हुई, बेरोजगार भत्ता देने की पात्रता का पंजीकरण विधि क्या है, आज की तारीख में कितने बेरोजगार आवेदन लंबित है, पात्र कितने हैं, अपात्र कितने, एक तो ये बताए। दूसरा, कुल कितनी राशि महिला एवं पुरुष अन्य पात्र को दी गई है, जिलेवार सूची हम उपलब्ध करवाए। शुरुआत में 2007 में जब योजना शुरू हुई तब एक सीमित मात्रा में जो कैप था, अपर लिमिट था, वो एक सीमित मात्रा में था, उसको बढ़ा दिया गया बाद में, उसको 2 लाख, अधिकतम 2 लाख युवाओं को एक समय में 2 साल तक लगातार ये दिया जाएगा। इसके अंदर आज की तारीख में 1,86,656 आज की तारीख में युवा हैं जिनको ये मुख्यमंत्री युवा संबल योजना अंतर्गत लाभार्थी हैं। नहीं नहीं, इतने बेरोजगार युवाओं के फार्म लंबित पड़े हैं, अधिकारी है वहां है नहीं, कर्मचारी वहां है नहीं, और अभी मैंने इतना पूछा कि मेरे वहां कितने लंबित हैं, कितने अपात्र आपने किए हैं, कितने पात्र हैं, एक बात वो बता दें। और जिनको आपने निरस्त किए हैं वहां, जितने भी आवेदन आए उनके 10% फार्म में वो भली ये सरकार रही हो, ये इन्होंने भी एक घुमा फिरा के जवाब दिया है। आप जब यहाँ बैठते थे अध्यक्ष महोदय तो आपको ध्यान में है, कुछ घुमा फिरा के जवाब दिए हैं युवा बेरोजगारों को भत्ता देने की, जो अपन फार्म निरस्त करते हैं उनकी क्या विधि है, क्योंकि जो जो फार्म आते हैं उनको केवल 2 से 5% फार्म रखते हैं, वरना सब फार्म रिजेक्ट करते हैं। मेरे वहां आज की तारीख में चित्तौड़गढ़ जिले में कितने तो पात्र हैं, कितने अपात्र हैं, इतने का आप बता दें। माननीय मंत्री जी,